हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एम आई ऑडिबल टू यू? मैं आपको ऑडिबल हूं। चलिए गाइस, चलिए चलिए चलिए। तो सर, आज का जो सेशन रखा गया है, डियर आस्क मी योर डाउट, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सर आस्क मी योर डाउट क्या है, ओवरऑल इस सेशन को क्यों रखा गया है, इसके रिगार्डिंग क्या है इन्फॉर्मेशन है, जो भी सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आज जो सेशन है वह आस्क मी योर डाउट, उसमें ओवरऑल होने क्या वाला है, ओवरऑल आप क्या करेंगे, कैसी सारी चीजें होगी, उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उन सारी चीज में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं हूँ पल्लव गौर, जिसने की गेट में 4 टाइम्स टॉप किया है। मैं आपको 1.6 ईयर ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर द गेट एंड ESE एग्जाम। मैं जो है आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथ, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम एंड हीट एंड मास ट्रांसफर जैसे सब्जेक्ट कराता हूँ, जो कि जिसमें से आई एम स्पेशलिस्ट इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ तो आप लोगों के लिए सबसे पहला डाउट ये आता है कि सर हमें ये बताइए कि आपने जो आज का सेशन रखा है आस्क मी योर डाउट ओवरऑल है क्या। तो ये देखिए, आज से हमारा आपके लिए एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आस्क मी योर डाउट। यस यस, आस्क मी योर डाउट। इसमें ओवरऑल होने क्या वाला है कि जनरली अगर देखा जाए तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम लोगों के लिए जो डाउट रहते हैं उन डाउट को क्लियर कहाँ करें। सर हमें ये डाउट आता है, सर एक्स वाई जेड डाउट है, उस एक्स वाई जेड डाउट को हम कहाँ सॉल्व करें, उस डाउट को हम कहाँ क्लियर करें, सर कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर हम उस डाउट को कर सके। फिर देखा मैंने कि आप लोगों के लिए कुछ ग्रुप वगैरह बनाए गए कि ये आपके लिए डाउट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को क्या जब पेपर सॉल्यूशन मिलता है तो वो ऐसे सेटिस्फाई नहीं रहते कि काश हमें ये सॉल्यूशन जो है, काश हम लोगों को ये सॉल्यूशन जो है सही से मिलता, काश ये सॉल्यूशन सर आप हमें एक्सप्लेन करते तो हमें ज्यादा सही से रहता, ये हमें ज्यादा मेमोरी में रहता, ज्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन तक रहता, अगर ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ जाता तो हमारे लिए अच्छा रहता। तो ये सब चीजें जनरली स्टूडेंट सोचता है कि अगर ये डाउट क्लास में ही रहता, एजुकेटर ही समझाता, तो ये मेरा डाउट कभी आगे रह ही नहीं पाता, सारी चीजें ही मुझे सही से हो पाती। हाँ है ना? यस और नो? यस। तो अब अगर हम बात करें तो आस्क मी योर डाउट में ओवरऑल होने क्या वाला है, तो गाइस आस्क मी योर डाउट में मैं ये बताता हूँ कि चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, यस चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप ECE ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को जनरली देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आती है कि सर हमारे जो डाउट है सर वह क्लियर नहीं हो रहा। यस सर, हमें कंसेप्ट यूट्यूब पे, यहाँ पर, वहां पर, हर जगह पर हमें कंसेप्ट सभी मिल रहा है, कंसेप्ट को हम गेन भी कर रहे हैं, मगर उस कंसेप्ट की वजह से सर देखा जाए तो उसमें अगर बाई चांस हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वह क्वेश्चन हमसे थ्रू आउट द ईयर नहीं बनता, क्योंकि उसके डाउट को डिस्कस करने वाला कोई नहीं, सर उस डाउट को कोई क्लियर नहीं कर रहा है। तो सर उन डाउट जब गेट एग्जाम में आ जाता है तो वही डाउट की वजह से जब क्वेश्चन में मिस्टेक होती है वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है कि सर हमें पता होते हुए कि यार ये क्वेश्चन हमसे बना नहीं था और वही क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ गया तो वही क्वेश्चन हम कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि हमारे को उसका सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं था। तो उसी चीज के लिए मैंने आपके लिए एक सेशन स्टार्ट किया है, आस्क मी योर डाउट। यस, आस्क मी योर डाउट। चाहे आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप EE ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप ECE ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, यस आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती कि आपको डाउट क्या आएगा, आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती कि आपको डाउट रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा, मैकेनिकल के ब्रांच के स्टूडेंट को डाउट हो, ऐसा नहीं है, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए डाउट रहेगा। और सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, आस्क मी योर डाउट। यस, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो आप मुझसे, यस यस यस, केमिकल आल्सो अक्षय, केमिकल आल्सो, यस यस अक्षय, ये देखिए दिस इज इंडिकेटिंग केमिकल ब्रांच आल्सो। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको जो डाउट है उन डाउट को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप गेट एग्जाम देंगे अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो, यस अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए और आपने जब गेट एग्जाम दिया और अगर आपके डाउट अगर क्लियर नहीं होते तो उन डाउट से ब्लंडर हो सकता है। एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कि गेट जैसे एग्जाम में
गेट जैसे एग्जाम में, ईएससी जैसे एग्जाम में अगर एक मार्क्स भी हमारा गलत होता है, एक मार्क्स दो मार्क्स भी गलत होता है, तो हमारी रैंक बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है और उन एक मार्क्स दो मार्क्स से हमारा पूरे ईयर की मेहनत खराब हो जाती है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों की ये जो मेहनत है सिर्फ किसी भी तरीके से एक मार्क्स या दो मार्क्स की वजह से, आपके किसी डाउट की वजह से वेस्ट हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपके जो भी डाउट हो, चाहे वह सिविल ब्रांच के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, वह सारे डाउट सॉल्व होने चाहिए। यस और नो, जल्दी से बताइए, सभी लोग ये चाहते हैं या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताइए, हाँ या ना, सभी लोग यही चाहते हैं कि सर हमारे सारे डाउट जो है क्लियर हो। मितेश अभी तो डाउट मत पूछे, अभी तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर आप उससे डाउट पूछेगा। सभी लोग जो भी डाउट आ रहा है, सभी लोगों के डाउट होंगे। यस और नो, यस और नो, यस यस, सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। अभी आप ये बताइए, आप इस सीरीज के लिए रेडी है या नहीं? यस, दिस इज लाइक अ डेली डोज कंसेप्ट। यस यस, दिस इज लाइक अ डेली डोज कंसेप्ट फॉर यू। यस, दिस इज लाइक अ डेली डोज कंसेप्ट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेली डोज कंसेप्ट, मींस व्हाट सर, क्या हुआ इसका मतलब? डियर, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार से आपको छोटे छोटे डोज डेली मिल रहे हैं, छोटे छोटे डोज डेली मिल रहे हैं। किसके लिए? टूवर्ड्स द गेट एग्जाम की सक्सेस, वन स्टेप टूवर्ड्स द गेट एग्जाम, गेट एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए छोटे छोटे डोज आपको आपके डाउट क्लियरिंग के फॉर्म में, आपके डाउट किसी दूसरे स्टूडेंट्स के डाउट छोटे छोटे कंसेप्ट के फॉर्म में आपको ये डेली मिल रहे हैं। यस और नो, से यस और नो गाइस, यस और नो। तो इनकी बात अगर आपको की जाए, इन डेली डोज कंसेप्ट के थ्रू, जब आपके ये डेली डोज कंसेप्ट से आप डेली जब क्वेश्चन, डेली आपके जब डाउट क्लियर होंगे, तब जाकर आप जो है किसी भी बड़े एग्जाम, गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम्स, ये एग्जाम अच्छी रैंक से क्लियर कर पाएंगे। नाउ नाउ, अब बात आती है कि सर हम ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको सिंपल से बता चुका हूँ। टेक पिक्चर्स ऑफ योर डाउट, आपका जो भी डाउट है उसकी फोटो लीजिए, उसकी फोटो लेने के बाद उसे फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको अभी दे दी गई है, टेलीग्राम की लिंक अभी कमेंट सेक्शन में आपको दे दी गई है, उस टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करिए, जल्द से जल्द मुझसे आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको मुझसे कनेक्ट होने की सारी चीजें मिल जाएगी, कैसे आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, कैसे आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यस और नो, नाउ नाउ, फिर बात आती है कि सर ये जो सारी चीजों पर कनेक्ट होने के बाद आप हमारे सॉल्यूशन कैसे कराओगे? जब नेक्स्ट डे आपकी क्लासेस रहेगी, एज योर नेम, आपके नाम के साथ, आपके सॉल्यूशन के साथ, आपके डाउट के साथ, आपके पिक्चर्स के साथ, या जो भी आपके डाउट है उसके पिक्चर के साथ, मैं आपके लिए उस सॉल्यूशन को नेक्स्ट डे कराऊंगा। नाउ नाउ, ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है? यस यार, ये सीरीज स्टार्ट हो रही है मंडे से। यस यार, ये सीरीज स्टार्ट हो रही है मंडे से। यस यार, ये सीरीज स्टार्ट हो रही है मंडे से। तो मंडे से पहले, मंडे तक आप अपने डाउट मुझे भेजिए। यस, जब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, जब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, तभी आप गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम में 100% मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। कहां पर? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। और अगर आपको ये सारी चीजें सही लगती है, तो हम पूरी ब्रांचेस का भी स्टार्ट कर देंगे कि आपके सारी ब्रांचेस में आपको जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर किए जाए। तो आपके लिए कुछ स्टूडेंट मुझसे ये भी सारी चीजें चाहते हैं कि सर मैं आपसे परमानेंटली कनेक्ट होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू एज माई पर्सनल मेंटर, बिकॉज यू आर सॉल्विंग माई ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, एंड एज यू टॉप्ड 4 times इन अ गेट एग्जाम, आई वॉन्ट यू एज अ माई पर्सनल मेंटर। देन अगर आप मुझे एज अ पर्सनल मेंटर चाहते हैं, कि आप मुझे चाहते हैं, तो आप क्या करिए, ओपन गेट, ओपन एन अकेडमी ऐप, चूज योर गोल एज अ गेट एंड ईएससी, देन प्रेस द गेट सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर प्लान, चूज योर प्लान। आपको 1 month, 3 month, 6 month प्लान चूज नहीं करना। क्यों नहीं चूज करना है डियर? क्योंकि 1 month, 3 month, 6 month प्लान उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि बिल्कुल 1 महीने पहले, 3 महीने पहले गेट की प्रिपरेशन करते हैं। और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में गेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। सिर्फ वो उसी टाइम पे करते हैं जो रिवाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। आप लोगों को कितने मंथ के लिए जुड़ना है? आपको मुझसे जुड़ना है 12 month और 24 month। आपको उसके लिए 12 month और 24 month के लिए मुझसे जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको एज अ कूपन कोड, एज अ पल्लव लाइव यूज करना। यूज माय कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव। जैसे ही आप मेरा कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे, यू आर एलिजिबल। यस, आप क्या हो जाएंगे? आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, आप
आपको मी एज अ पर्सनल मेंटर मिलता है? यस और नो, आपको मैं एज अ पर्सनल मेंटर मिलूंगा जिसमें कि आप मुझसे सारे डाउट पूछ सकते हैं रिगार्डिंग नॉट ओनली इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड नॉट ओनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आपके जो भी डाउट है आप उससे अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सर आप सारी ब्रांचेस के सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं? यस, कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आई हैव अ टीम। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के डाउट मैं सॉल्व करूंगा, बट अदर देन दैट अगर आपको डाउट आते हैं तो आपके डाउट सॉल्व करवाने के लिए अंकित सर, विशाल सोनी सर, ये हमारी टीम जो है आपके लिए मदद करेगी। नाउ अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो आपके लिए हमारी कंप्लीट टीम ऑफ नेगी सर, अप्रूव सर, हमारी टीम आपके लिए मदद करेगी एंड आई एम देयर आल्सो। तो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप मी एज अ पर्सनल मेंटर चाहते हो, यस एवरी ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स एडियर, आप किसी भी उसके लिए हो, आप अगर मुझे एज अ पर्सनल मेंटर चाहते हो तो यूज माय रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ व्हाइल टेकिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और जॉइनिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़िए, रेफरल कोड एज अ पल्लव लाइफ यूज करिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं आज, हम कितने पर मिलने वाले हैं जल्दी से सभी लोग मुझे टाइमिंग बता दीजिए एक बार, जल्दी से मुझे टाइम बता दीजिए सभी लोग कितने पर मिलने वाले हम लोग। यस 1 PM शार्प एट 1 PM किस चैनल पर? अनअकैडमी गेट एमी चैनल पर। यस किस चीज के रिवीजन के लिए मिलने वाले हैं डियर? यस वेक्टर कैलकुलस। ओके गाइस, चलिए गाइस, तो अभी सिर्फ आप लोगों के लिए यही है। तो आर यू गाइस रेडी फॉर आस्क मी योर डाउट सेशन? टेल मी, क्या आप सभी लोग रेडी हैं आस्क मी योर डाउट इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है? हाँ या ना, यस और नो, आर यू गाइस रेडी? ये कब से स्टार्ट होने वाला है डियर? या मंडे से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है? आज के अगर हम डिस्कशन यही खत्म करते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, जल्द से जल्द हम उस पे मिलते हैं। किस पर मिलते हैं? यस अनअकैडमी गेट एमई चैनल पर, शार्प एट 1 PM पर मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।